तुरंत छान करके बस ऐसे दबा दीजिए, इससे छन्नी से पानी नीचे गिरता जाएगा, निकल जाएगा और एकदम बराबर से जम जाएगा। दोनों को के हाथ आया है फिर भी दोनों से दूध गर्म कर रहे हैं। किसी के घर से आया है, ये गाय जब बच्चा देती है ना तो उसके बाद जो दूध होता है वो वाला दूध है जिसको ढाकर बोलते हैं, तो ये फटा नहीं है और इसका बनाएंगे पनीर। तो पनीर फट भी जाता ना तो उसका पनीर ही बनाते, क्योंकि फटा हुआ दूध बच्चे खाते नहीं हैं मीठा की वजह से। ये रहा सिरका, विनेगर थोड़ा सा और डालते हैं, इसको कोई कॉटन कपड़ा में छान लेते हैं। ये छान करके पनीर को कपड़ा में, और ये देखिए छन्नी है और इस पत्थर से दबा दिए हैं, या कोई भी भारी चीज़ से दबा देने से ना तुरंत छान करके बस ऐसे दबा दीजिए, इससे छन्नी से पानी नीचे गिरता जाएगा, निकल जाएगा और एकदम बराबर से जम जाएगा पनीर, एकदम मार्केट जैसा, तो बहुत अच्छा जमता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने, और आपने देखा ना कि पनीर हमने बनाया है, किसी ने दिया था ढाककर जो गाय बच्चा देती है ना वो था अभी का बनाया हुआ। शाम में उसका हम पालक पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, और अभी नाश्ता में बनाना है चीला। तो अभी सीज़न है, नया चावल भी अभी मिलता है, तो फ्रेंड्स नया चावल का चीला अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही मतलब मीठा लगता है, अच्छा लगता है। और चना के साग का भी सीजन है अभी, तो चना साग तो मेरे घर पे ही फलता है और वहीं से आया है चना का साग, तो आज बनाएंगे चना साग का चीला, तो ब्रेकफास्ट में वही रहेगा, बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। इस सीज़न में ज़रूर बनाइए, खाइए, फ़ायदा उठाइए, क्योंकि गर्मी में ये सब चीज़ नसीब नहीं होता है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा चना साग में कैलोरीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और वज़न घटाने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चना साग खाइए, चना साग बथुआ मिलता है आजकल, और पालक हो गया, मेथी मिलता है, मेथी पराठा खाइए, और ठंडी में तो हर तरह का सब्जी वगैरह मिल जाता है। तो अभी साग कुछ ही दिन मिलेगा फिर तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए चलते हैं फटाफट से चीला बनाते हैं, हेल्दी चना साग का चीला। चावल ये देखिए आज बहुत लेट हो गया है, और ये देखिए कैसे उबलता है, इसे ढक करके ना बाहर गए थे थोड़ा सा पौधा में पानी डालने, और पूरा उबल करके बह गया है नीचे तक। और इसमें दाल बना है, सब्जी तो सुबह बन गया था। अभी ना फ्रेंड्स नहा कर आए हैं और ऊपर छत पे आए हैं कपड़ा डालने, इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि बता नहीं सकते, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितनी ठंडी है, और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं अभी कपड़ा डाल लेते हैं, और फ्रेंड्स सुबह से जो है बहुत काम हुआ, और फ्रेंड्स अभी खाना खाने का टाइम है, मतलब कि 2:30 बज चुका है, तब जाके अब अपना व्लॉगिंग जो है शुरू कर रहे हैं। तो सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अभी सबको खाना देंगे और उसके बाद जो है खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स कपड़ा भी डालेंगे अंदर में, कुछ डाला हुआ है कल का और अभी और डालना है, क्योंकि धूप खत्म हो चुका है, छत पे खुले छत पे नहीं डालेंगे,
ऐसा होता है ना कि डालिए और फिर शाम हो जाता है और उठाकर फिर अंदर डालना पड़ता है, तो एक ही काम दो दो बार करने से अच्छा है कि अंदर ही डाल देते हैं। तो पहले डाल लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। आए, क्या कर रहे हो सब? ये पड़ा रहा है ऊपर, हमें नहा लो, ठंडी में मजा आएगा। नहा लो, नहा लो। कहीं जा कर खेलना, यही खेलो, यहाँ धूप तो है। पीट देंगे, बदमाशी करते हो। कहाँ चली मैडम? झूला कितना अच्छा दिखने लगा, वाइट। टूटा हुआ रहेगा। अभी कच्चा पेंट, अभी लग जाएगा, बैठना नहीं। टूटा कहाँ है? नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें ये लगा दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, टेप। लेकिन अच्छा लग रहा है, झूला पेंट हो गया है फ्रेंड्स, सब जंग लग गया था सब में, तो घिस घिस कर टूटने का डर रहता है ना। ये सब पॉट जो है पेंट हुआ सारा, झूला पेंट हुआ, ये गेट पेंट हो गया, ये सब फ्लावर पॉट, ये सब। झूला देखें, झूला वाइट से हो गया, अच्छा लग रहा है। कहें कि बचा हुआ है पेंट तो उसको कर दीजिए। कब हुआ है? दोपहर में आते आते मुआयना करने लगे पेड़ पौधा। हाँ उधर वाह, क्या बात है, खुद से करो या पौधों से करो। पौधा से करिएगा, उसमें भी जान है। चनाचोर, चनाचोर गरम चॉकलेट खाना, ये नहीं लेना। ये कितना बड़ा है जी? हाँ, तो आधा किलो का ये अकेले है। उल्लू को जलाता है। किसको जलाओगे, सबको खाना है फिर उन लोग को जलाएंगे। मेरा कबीर का ब्रेड बटर लगाकर, इसके साथ लगाएगा चीनी। बटर लगाकर ये रहा शुगर पाउडर, ये है कबीर का डिश, है ना, भूखा शेर। और ये फ्रेंड्स हस्बैंड का चना चोर गरम, ये खा करके और चाय पियेंगे। चना चूर चाय बनाए ना फ्रेंड्स, अगर ब्रेड जल जाए ना तो इसे चाकू से लेयर हटा दीजिए, खुरच खुरच कर। वही कबीर कर रहा था, ये देखिए। तो ये जला हुआ हट जाता है, अच्छा उपाय है। तो अभी शाम में चाय बनाने चले। और ये है आयशा का शाम का नाश्ता हो गया, ब्राउन ब्रेड के साथ ये पीनट बटर, ये रहा। आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स आजकल ठंडी में ना चाय देखकर ही मज़ा आ जाता है, तो गर्मा गर्म चाय बैठकर पीते हैं। चलिए लीजिए चाय। ए बाबू साकेब, कहाँ है? इधर ली टोपी। मेरा दोनों टोपी हथियाया है, फिर भी बदमाशी कर रहा है, हमको मफलर पहना दिया। पहन लिए ना टोपी? इसका टोपी पहन लिए, इसकी टोपी उसके सर। तो मेरा पैसा मिलेगा? कौन सा? अरे जो लिए थे वो शादी के पहले, कि अभी दीजिए हम आपको दे देंगे। बोला कि है अभी दीजिए, हम आपको लौटा देंगे, याद नहीं रहेगा हमको? ठीक है, हम फोन पे कर देते हैं। फोन पे? किसका फोन पे से करोगे? अम्मी के। जो वैलिड करेंसी होता है ना,
जैसे हर देश का अलग अलग करेंसी है, तो उसको बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी दुकान में गए सामान लेने, तो मान लीजिए आप 100 रुपये का सामान लिए, तो आप 100, आप बोलिए कि हम आपको पेटीएम कर दे रहे हैं, वो बोल सकता है कि ना हम पेटीएम नहीं लेंगे। आप बोल सकते, अगर आप फिर बोलते हैं कि हम फोन पे कर दे रहे हैं, तो वो बोल सकता है कि मना कर सकता है कि नहीं हम फोन पे नहीं लेंगे, फोन पे नहीं लेंगे। फिर आप बोलते हैं कि ठीक है हम आपको जो है आप नेट बैंकिंग से आपके यहाँ भेज दे रहे हैं पैसा आपके अकाउंट में, तो वो मना कर सकता है कि नहीं हमको इसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप निकाल के 100 का नोट देते हैं उसको, या 50-50 का नोट देते हैं 2, या 20-20 का 5, या 10-10 का 100-10, तो वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं लेंगे। या मान लीजिए 5 का सिक्का ही है और वो 20 दे दिया उसको, तो वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं लेंगे हम। यानी कि ये लीगल टेंडर है, वैध मुद्रा है, ये कानूनी मुद्रा है, तो हमको जो है ना लीगल टेंडर में चाहिए। मेरा 100 रुपये कितना था जी? 1000। इतना सारा पैसा लेकर बैठे हैं ये क्या? और मेरे अकाउंट से अभी के अकाउंट में, अम्मी के अकाउंट से अभी के अकाउंट में डाल रहे हैं। पैसा है अभी का ही। पढ़ाई लिखाई हुई थी वो लीगल टेंडर समझ गए? कुछ समझ में आया थोड़ा? वो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वही ना हुआ था? आज 8 बजे रात के बाद, 12 बजे रात के बाद 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दूसरे दिन से उस नोट का कोई वैल्यू नहीं रहा। सुनवाई बात उस पढ़ाई लिखाई किए हैं? सिर्फ क्लास की है, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास हुआ है। जाए पढ़ाई कीजिए बेटा। यहाँ हो रहा शाम में हंगामा, केक बन रहा है कबीर का। कबीर का? कबीर का नहीं, सबका। कुलसुम का, आयशा का, कबीर का, अर्शी का। अर्शी को तो ये क्या बोलते हैं, केक पसंद ही नहीं है, और वो भी एकदम इंस्टेंट बिस्किट का, फटाफट। ज्यादा नहीं डालो, बहुत ज्यादा स्मेल आ जाएगा। इतना सारा ये चॉकलेट केक में। यस, केक के लिए लाए वो। ये देखिए किचन की हालत। ये शाम का नजारा है, शाम का स्नैक्स बनाने में पूरा किचन भरा हुआ है। और कितना अच्छा दिख रहा है ना। कद्दूकस किया हुआ खा जाते हैं। और नहीं करना है चॉकलेट को कद्दूकस के। ऐसा क्यों लग रहा है हमको ये? तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का केक बन गया है। अब इसमें छोटे छोटे होल्स करेंगे। क्यों? फिर इस पर हम लोग कुछ डालेंगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए। अब हम लोग ये डालेंगे, ये हम लोग बनाए हैं डेरी मिल्क से, डेरी मिल्क एंड मिल्क। आई लाइक दिस पैनकेक। ये केक है। अच्छा केक है। बहुत टेस्टी लग रहा है ना। ले आते हैं। टूट पड़े हैं केक पे। तो फ्रेंड्स ये शाम में अभी बनाएंगे रात के खाना में। ये पनीर जो सुबह हमने फाड़ा था वो है पनीर बनाकर जो रखे थे। ये छन्नी के शेप का हो गया है तो इसे कट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से पनीर बन गया है। तो ये देखें फ्रेंड्स, कट करके इतना सारा हुआ है। ये 1.5 लीटर था ढाकर जो दूध था, उसका इतना सारा बना है पनीर। बहुत ही अच्छा बन गया है घर पे। चलिए अब इसका सब्जी बनाते हैं फटाफट से। ड्राइंग बना रही है ये दोनों, एक दूसरे का शक्ल देखकर। ये रहा, ये है आयशा जो कि कुलसुम बना रही है, और वहाँ इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसे अच्छा दिख रहा। और ये है
कुलसुम जो कि आयशा बना रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पालक पनीर तैयार है और इधर है रोटी रोटी पराठा सबका। चलो खाना ले चलो। कम मसाला में बनता है सबसे अच्छी बात है। पालक फायदा करता है, पनीर भी फायदेमंद है, तो पालक पनीर हमेशा बनाकर खाया कीजिए। बस आ जा मीरा, यहाँ देखो वीडियो एंड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय। Just take a ride along the bay.